स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर डिफेंस एकेडमी एंड आई होप कि आपकी दिवाली बहुत ही खुशियों वाली रही हो। आपको पता है आपके एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट नवंबर जा चुका है, दिसंबर जनवरी आपके बोर्ड्स भी होंगे के अलावा आपको रिवीजन भी करना होगा। काफी दिनों के बाद हम आज मिल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि डिफेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं और जिनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इससे पहले इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपको यहाँ पर मिलेगी, दैट इज इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है क्या 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट जिसका नाम है अमिनी। अब देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ लेंगे, जनरली आप एनडीए में देखें या सीडीएस में देखें, आपको ऐसे नाम दे करके मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन था सूरत और उदयगिरी, ये क्या है, और चार आपके ऑप्शंस दिए हुए थे, ये आपके एनडीए का क्वेश्चन है। वैसे अगर ऑप्शन दे दिया कि अमिनी ये क्या है, तो इट इज द एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट। कौन से नंबर का है, फोर्थ नंबर का है, किसका है? ऑब्वियसली बात है, सबमरीन आ गया है अगर नाम में तो ये होगा इंडियन नेवी का। देखिए अमिनी इट इज द फोर्थ वेसल ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट, ठीक है, ASW और SWC, ऐसा आपको शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ASW का मतलब क्या होता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और SWC का मतलब होता है शेलो वॉटर क्राफ्ट। सो इसको कट्टुपल्ली में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, बेसिकली हमारी जो नेवी की पावर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि इसको बनाया किसने है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो बिल्कुल होगा ही, इनके बीच में MOU साइन, और किसके बीच में, दूसरा आपको मिलेगा एक बड़ा ही फेमस नाम, इट इज GRSE, जनरली फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो कोलकाता में इनके बीच में क्या हुआ था भाई, एक पैक्ट काइंड ऑफ हुआ। फिर यहाँ पर ये जो है कौन से नंबर की है, इसके अंदर फोर्थ नंबर की है, ये आप याद रखेंगे। ASW और SWC का फुल फॉर्म याद रखना ना भूलें, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइजेस। आप जानते हैं आप जितने भी पेपर देखे, चाहे आपका एनडीए हो, चाहे आपका CDS हो, या फिर आपका FKET हो, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एक ऐसा टॉपिक होती है कि जिससे तय होता है कि क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम है मित्र शक्ति। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दीज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो आपको याद रखना है कि दो कंट्रीज के बीच के डिफेंस के जो रिलेशंस हैं, जो मिलिट्री रिलेशंस हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। मान लीजिए ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट हो रही है, दैट मीन्स कि इंडिया अपनी वॉरफेयर स्किल्स सिखाएगा किसको, श्रीलंका को, और श्रीलंका अपनी वॉरफेयर स्किल्स सिखाएगा किसको, इंडिया को। तो दिस इज द मेन पर्पस बिहाइंड दीज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और मैंने कई बार ये एक्सरसाइजेस आपको याद कराई हुई हैं, के अलावा भी बहुत जल्दी हम लोग वापस से हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो रिज्यूम करेंगे, तो बहुत आसानी से आपको ये सारी एक्सरसाइजेस याद हो जाएंगी। चलिए तो आपको याद रखना है किसी एक एक्सरसाइजेस में चार चीजें। पहला एडिशन, तो कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है। दूसरा नाम, तीसरा किस किस के बीच में होती है, तो ऑब्वियस सी बात है हम पढ़ रहे हैं तो इंडिया तो होगा ही, के अलावा आपको यहां पर मिल जाएगा क्या, श्रीलंका, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है, ये तो तीसरा हो गया, चौथा आपको याद रखना है कहां पर, 9th एडिशन है, एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है, और हुई है कहां पर, पुणे में। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इट एम्स टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन बिटवीन द इंडियन एंड श्रीलंकन मिलिट्री फोर्सेस। नेक्स्ट आती है बोंगो सागर, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसके साथ होगी, बांग्लादेश के साथ। एडिशन, जो अभी मैंने आपको याद करना बताया, एडिशन,
फोर्थ एडिशन. अगर बायलेटरल लिखा है, बाय मतलब होता है दो, मतलब दो कंट्रीज के बीच में हो रही है. अगर मल्टीलेटरल लिखा है मतलब बहुत सारी कंट्रीज के बीच में हो रही है. बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश, इसका नाम है बोंगो सागर. और फिफ्थ एडिशन हो रहा है किसका, कॉर्पेट का. कॉर्पेट बहुत सारी कंट्रीज के साथ होती है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड. कॉर्पेट का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल. डेट आपको मिलेगी 7 से 9 नवंबर. जगह यानी कि लोकेशन नदन बे ऑफ बंगाल. पार्टिसिपेंट्स डेफिनेटली इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश की जो नेवी है वो. इंडिया के शिप अगर आप देखें तो कुठार है, किल्तान है, मरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है. और ये बांग्लादेश तक हमको नहीं जाना, इतना आप अगर एडिशन याद रख रहे हो, जगह याद रख रहे हो, कंट्रीज याद रख रहे हो, सो इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर अस. नेक्स्ट आती है मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन. ये आपके एग्जाम में आ चुकी है पिछली बार. सबसे पहले तो आपको इसको याद रखना है क्योंकि इसका नाम जो है वो चेंज हुआ है. जब पहले इसको कंडक्ट कराया जाता था इसका नाम था प्रबल दोस्तेक. क्या नाम था? प्रबल दोस्तेक. बट इसका नाम रिनेम किया गया इसको, और इसको रिनेम करके क्या रख दिया गया, काजिन. समझ में आ रहा है? कजाकिस्तान और इंडिया. क्या? कजाकिस्तान एंड इंडिया. इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंटिंजेंट कंप्राइजिंग 120 पर्सनल डिपार्टेड फ्रॉम कजाकिस्तान. और एडिशन कौन सा है? सेवेंथ एडिशन. कौन सा एडिशन है? सेवेंथ एडिशन. अभी मैंने आपको बोला एडिशन याद रखना है, ठीक है? इसमें कौन कौन पार्ट ले रहे हैं? तो इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो दोनों ही, ठीक है? और इंडियन आर्मी की बटालियन कौन सी? डोगरा रेजिमेंट, ठीक है? लेड बाय अ बटालियन फ्रॉम द डोगरा रेजिमेंट कंसिस्ट ऑफ 90 पर्सनल और 30 एयरफोर्स पर्सनल. और ये हो कहाँ पर रही है? तो जगह का नाम बता दो. जगह का नाम है ओटार, जो कि कहाँ पर है? इट इज इटसेल्फ इन दी कजाकिस्तान, ओके? और ये एवोल्यूशन मैंने आपको बताया कि पहले इसका जो नाम था दैट वाज प्रबल दोस्तेक, जब 2016 में इसको शुरू किया गया था, बट बाद में इसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है? काजिन कर दिया गया. नेक्स्ट, इंडियन नेवी गेट्स थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर M4, ठीक है? शुरुआत में इंडियन नेवी के बारे में पहला फैक्ट भी मैंने आपको अमीनी बताया है कि अलावा यहाँ पर मिलेगा थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है? इसका नाम क्या है? इम्फाल है. तो इम्फाल इज अ थर्ड वेसल ऑफ प्रोजेक्ट 15B. आपके CDS में पिछली बार क्वेश्चन आया था प्रोजेक्ट 75 से, ये प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस के बीच में साइन हुआ था, है ना? जो आपकी कलावेरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर, इनके लिए. तो इस तरीके से प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इम्फाल किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है? तो 15B के अंदर बनाया गया है. किसने बनाया है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको याद रखनी है. जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्या नाम है इनका? मनोज सिन्हा, ठीक है? इन्होंने क्या किया है, CRPF के जो वुमेन बाइक एक्सपेडिशन है, CRPF इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनकी एक्सपेडिशन, बाइक एक्सपेडिशन, इसका नाम रखा है यशस्विनी. क्या नाम रखा है? यशस्विनी. फ्रॉम श्रीनगर, श्रीनगर टू कहां? गुजरात, ठीक है? इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव टू एम्पावर द वुमेन द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किक स्टार्टेड एन ऑल फीमेल बाइकर्स एक्सपेडिशन. सभी क्या है? फीमेल बाइकर्स हैं. और इसका नाम रखा है क्या? यशस्विनी. एंड स्टार्ट हुआ है फ्रॉम श्रीनगर और एंड होगा कहाँ पर? गुजरात. सो आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो. कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये करंट अफेयर्स हैं इसी तरीके से हम डिस्कस करें. के अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. जय हिंद.